हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव दाणे, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग वन की वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से इसे सुने समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा था डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है, फिर हमने देखा था एनुअल रिपेयर एस्टीमेट क्या होता है, फिर हमने देखा था स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट क्या होता है, फिर हमने देखा था रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, फिर हमने देखा था सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इसके आगे हमें आज पढ़ना है। आज के इस वीडियो लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम है, हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहला हमारा लर्निंग आउटकम है एनलिस्ट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट को बनाने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स की आवश्यकता, क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, वो देखना है हमें। दूसरा लर्निंग आउटकम है हमारा आज का एक्सप्लेन डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टीमेट। तीसरा लर्निंग आउटकम है हमारा आज का एनलिस्ट स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर हमें डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। दूसरा पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। फोर्थ है लोकेशन ऑफ साइट। फिफ्थ है लोकल लेबर चार्जेस। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिटेल्ड एस्टीमेट निर्भर करता है। सबसे पहला देखते हैं हम कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स कैसे किसी भी डिटेल्ड एस्टीमेट को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। फॉर अ लार्ज कंस्ट्रक्शन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड एंड दिस कैन बी परचेज्ड एट अ रेट चीपर देन द रेट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर माइनर वर्क। देयरफॉर रेट ऑफ वर्क शुड बी फ्रेम्ड कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ वर्क। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जितनी क्वांटिटी लगेगी मटेरियल्स की उसका रेट अलग होगा, लेकिन अगर आप छोटा सा काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स लगेंगी उसकी मात्रा अलग अलग होगी, कम होगी। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम उसका रेट लेंगे इस डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के दौरान। एक बड़े निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में सामग्रियों की आवश्यकता होती है और इसे मामूली काम के लिए आवश्यक सामग्री की दर से सस्ते दर पर खरीदा जा सकता है। इसलिए काम की मात्रा को देखते हुए कार्यों की दर तय की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज हायर देन दी स्केड्यूल्ड रेट इफ देयर इज नो एश्योरेंस दैट दी मटेरियल्स विल बी अवेलेबल as and when required and is detrimental to the progress of the work if the workers and maintenance staff remain idle for paucity of materials। यदि सामग्री की छोटी मात्रा को काफ़ी दूर तक ले जाने की आवश्यकता होती है तो परिवहन की अनुपातिक लागत एक समय में ले जाने वाली बड़ी मात्रा की लागत की तुलना में अधिक हो जाती है। यदि कार स्थल एक विषम जगह पर स्थित है जिसके लिए लोड हो रहा है, अनलोडिंग, स्टेकिंग और सामग्री को फिर से स्थापित करना आवश्यक है। कई बार विभिन्न प्रकार की यात्रा के कारण पारागमन में क्षति या हानि के बिंदु को सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। विस्तृत अनुमान तैयार करने से पहले स्थानीय मजदूर के कौशल और दैनिक मजदूरी पर विचार किया जाना चाहिए।
तो दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के दौरान, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कि आपको मटेरियल जो है वो लोकली अवेलेबल है या नहीं, या आपको किसी दूर जगह से उस पर्टिकुलर मटेरियल को लाना पड़ेगा। फिर वहाँ से जब आप मटेरियल लाएंगे तो लोडिंग, अनलोडिंग, स्टेकिंग और अनस्टेकिंग के भी चार्जेस आपको लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे। तो डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए हमें अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण कारक है जिसका ध्यान आपको रखना होता है। तीसरा फैक्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। इफ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स हायर इन कंपेरिजन विद द कॉस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड एट अ टाइम। यदि सामग्री की छोटी मात्रा को काफ़ी दूर तक ले जाना आवश्यक है तो परिवहन की अनुपातिक लागत एक समय में बड़ी मात्रा में परिवहन की लागत की तुलना में अधिक हो जाती है। मान लीजिए आपको एक्स अमाउंट का कोई पर्टिकुलर मटेरियल लाना है और दूसरे केस में आपको वाई अमाउंट का पर्टिकुलर मटेरियल लाना है। अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई है तो उस केस में मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो किस तरह से आ रहा है हमें वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको जितने भी अमाउंट की ब्रिक्स चाहिए, अब मान लीजिए आप जो ब्रिक मंगाते हैं जिस ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए आप वो ब्रिक मंगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी जितनी है उसकी कम कैपेसिटी की मात्रा की ब्रिक आप मंगाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पूरी देनी होगी। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स मंगवाई जा रही है एक बहुत ज़्यादा दूर से, तो उस केस के कंपैरिजन में अगर बहुत दूर से आप कोई मटेरियल मंगा रहे हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल आपको एक बार में मंगाया जाना उचित होगा। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण कारक का भी आपको ध्यान रखना होता है जो कि डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। अगला कारक है लोकेशन ऑफ साइट। इफ द साइट ऑफ वर्क इज लोकेटेड एट एन ऑड प्लेस फॉर विच लोडिंग, अनलोडिंग, स्टेकिंग एंड रीस्टेकिंग ऑफ मटेरियल्स आर नेसेसरी सेवरल टाइम्स ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्नी, द पॉइंट ऑफ डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली। यदि कार्यस्थल पर एक विषम स्थान पर स्थित है जिसके लिए सामग्री को लोडिंग, अनलोडिंग, स्टेकिंग और रीस्टेकिंग आवश्यक है तो कई बार विभिन्न प्रकार की यात्रा के कारण पारागमन में क्षति या हानि के बिंदु को ध्यान से माना जाना चाहिए। विस्तृत अनुमान तैयार करने से पहले स्थानीय मजदूर के कौशल और दैनिक मजदूरी पर विचार किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपकी जो साइट है, लोकेशन ऑफ साइट बहुत दूर है तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बार बार आना जाना न करना पड़े। तो लोकेशन ऑफ साइट भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि डिटेल्ड एस्टिमेट को चेंज कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा लोकल लेबर चार्जेस। स्किल एंड डेली वेजेस ऑफ लोकल लेबरर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अ डिटेल्ड एस्टिमेट। विस्तृत अनुमान तैयार करने से पहले स्थानीय मजदूर के कौशल और दैनिक मजदूरी पर विचार किया जाना चाहिए। अगर आपको लोकली अवेलेबल लेबर्स मिल जाएंगी तो आप का डिटेल्ड एस्टिमेट में जो लागत लगने वाली है हो सकता है वो कुछ कम हो जाए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो लोकल अवेलेबल लेबर है आपकी वो उतनी स्किल्ड है कि नहीं, कि वो जो पर्टिकुलर काम आप उन्हें सौंप रहे हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लोकल लेबर के चार्जेस पे भी आपका डिटेल्ड एस्टिमेट निर्भर करेगा। अगला टॉपिक है हमारा आज का डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए आपको क्या क्या डेटा की आवश्यकता होती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपको डेटा चाहिए वो है ड्राइंग्स ऑफ योर बिल्डिंग प्लान। आपकी बिल्डिंग के प्लान के जितने भी तरीके की ड्राइंग्स हैं वो सारी आपको लगेगी। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिकेशंस। तीसरा रेट्स। फोर्थ है लमसम आइटम्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। फिफ्थ है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट।
सिक्स्थ है कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स। तो ये छह पॉइंट है जो कि आपके डेटा हैं डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के दौरान। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग्स ऑफ योर बिल्डिंग प्लान में हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। द मोस्ट रिक्वायर्ड डेटा टू प्रिपेयर एस्टिमेशन एंड कंसिस्टिंग इज ड्राइंग्स ऑफ योर बिल्डिंग। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लिए आपको सबसे पहले जो लगेगा वो लगेगी बिल्डिंग की ड्राइंग्स। द ड्राइंग शुड नॉट रफ, रफ नहीं होनी चाहिए। ऑल द डायमेंशंस एंड ड्राइंग शुड बी क्लियर। इफ यू वॉन्ट टू एड सम एक्स्ट्रा ड्राइंग्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर एस्टिमेशन, द एस्टिमेशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा वर्क इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। दूसरा है हमारा स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस आर क्लासिफाइड इंटू जनरल एंड डिटेल्ड। इन जनरल स्पेसिफिकेशंस वी टॉक अबाउट नीडेड मटीरियल्स एंड वर्क्स इन जनरल पर्सपेक्टिव। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड प्रपोर्शंस ऑफ द वर्क टू बी डन। आप जो भी सामान ला रहे हैं उनके क्या स्पेसिफिकेशंस है, किस साइज का ब्रेक है, किस स्टैंडर्ड साइज का आपका एग्रीगेट है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, सीमेंट की ग्रेड क्या है, स्टील कितने एमएम का है, ये सारे डेटा आपको लगते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए। तो जो भी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो उन सभी के स्पेसिफिकेशंस भी हमें आवश्यक होंगे। अगला पॉइंट है हमारा रेट्स। आफ्टर एस्टिमेटिंग द ड्राइंग्स एंड रिक्वायर्ड मटीरियल्स द नेक्स्ट डेटा टू बी कलेक्टेड इज द रेट ऑफ मटीरियल्स। टू डू दिस We need to make rate analysis of the building. Rate analysis of material involves finding the rates of each item involved in the construction process. Second, their transportation cost. Rates हमें पता होना चाहिए हर एक item of construction के, labor के, transportation cost. Rate analysis हम आगे की units में देखेंगे किस तरह से rate analysis किया जाता है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए हमें रेट्स भी पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है लमसम आइटम्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। वी सिविल इंजीनियर्स बट द वर्स्ट सिचुएशन कम्स व्हेन वी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन टेकिंग अदर मेजरमेंट्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी सैनिटरी अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा। हम अपने आप को सिविल इंजीनियर समझते हैं लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि सिविल इंजीनियर होते हुए हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटरी के जो मेजरमेंट्स हैं, जो अरेंजमेंट्स के मेजरमेंट्स हैं, उसका ध्यान भी एक सिविल इंजीनियर को ही रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करना है तो इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा आके देखेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा आके देखेगा लेकिन जब आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग्स जाएगी, सैनिटरी अरेंजमेंट्स जो जाएंगे, उसका ध्यान तो एक सिविल इंजीनियर को ही रखना होता है। तो हमें लमसम आइटम्स का भी ध्यान में रखना होता है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के दौरान। The items which is not related to civil engineering are called as lump sum items. Some lump sum items are architectural items होते हैं, कुछ architectural items का हमें ध्यान रखना होता है। Electrical installations such as fan, motor, insulation, light, etc. Sanitary arrangements का भी हमें ध्यान रखना होता है। In order to make correct project cost estimation, you should also make an estimation of lump sum items with the help of estimator working in that field. अगला पॉइंट है हमारा वर्क चार्ज establishment. During the construction of your dream home, you may need to arrange some skilled temporary workers to do some specific purpose for your building like supervisors, watchmen, etc. You also need to fix salaries of these workers and add on the estimation and add on to the estimation and costing. वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं या अपना कोई प्लॉट बना रहे हैं, प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेसिडेंशियल या कमर्शियल कुछ भी हो सकता है उसमें। तो उस पर्टिकुलर जगह की देखरेख करने के लिए हो सकता हो आपको कुछ वॉचमैन लगें, सुपरवाइजर लगें, टेम्प्ररी वर्कर्स लगें। तो उन सब की सैलरीज निकालने की जो खर्चा होता है वो लिया जाता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो वो सारे खर्चे भी आपको एस्टिमेट में लेने होते हैं। अब कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स और भी हैं जैसे मिसलेनियस फैक्टर्स जिसको अपने को ध्यान में रखना होता है। डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन स्टेट आर लाइकली टू एनकाउंटर, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वर्क साइट, द
द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क साइट, वैसे ये सारे फैक्टर्स ऊपर जो पांच बिंदु हमने देखे उनमें सारे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इन सारे फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना होता है। थोड़ा सा हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। आज के जो लर्निंग आउटकम्स थे हमारे लेक्चर के, वो थे तीन। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट में कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे, डेटा क्या लगेगा हमें डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए, और स्टेप्स क्या होगी डिटेल्ड एस्टिमेट को बनाने की। सबसे पहले हमने देखा फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, लोकेशन ऑफ साइट, लोकल लेबर चार्जेस। फिर हमने देखा है डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट, ड्रॉइंग्स लगेगी, स्पेसिफिकेशंस, रेट्स, लमसम आइटम्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट और मिसलेनियस फैक्टर्स। अब आपको जो असाइनमेंट करना है वो है आपके तीन क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़े हैं। एक्सप्लेन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, एक्सप्लेन डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। अब टॉपिक मैंने दो पढ़ा है, लेकिन आप बोलोगे कि सर तीसरा क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तीसरा जो लर्निंग आउटकम्स था एनालिस स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट, तो वही आपका होमवर्क है। दो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिए है, वो आपको करना ही है। इन्हीं दो टॉपिक के अच्छे से जब आप समझ लेंगे तो आपका तीसरे टॉपिक का, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कि है राइट डाउन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। कैसे आप डिटेल्ड एस्टिमेट बनाओगे, क्या क्या स्टेप्स का आप ध्यान रखोगे, इन्हीं दो क्वेश्चन की थ्योरी में आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी है। तो ध्यान से इसे समझते हुए अपने नोट्स बनाते चलें और तीसरे क्वेश्चन का असाइनमेंट भी कर कर गूगल क्लासरूम पे, जो सेंधवा पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो गूगल क्लासरूम पर अपलोड करें असाइनमेंट फोर करने के बाद, और बाकी कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो अपने अनुसार अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कुछ भी डाउट की स्थिति उत्पन्न होने में जो सेंधवा पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और बाकी के स्टूडेंट्स यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट लिख दें अगर आपको कुछ डाउट हो, तो मैं वहाँ पर आके आपको रिप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू।